guys, and welcome back to Let's Help Scholars, where future lies in your own abilities. Guys, आज might be possible के हम लोग बहुत सारे ऐसे जने हैं जिनसे last session के अंदर मिल रहे हैं, उसके बाद वो लोग 11th class में जाएंगे and might be they opt some other streams science के अलावा, तो हम लोगों का interaction और मिलना कम हो जाएगा. सो गाइज, उन लोगों को ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. आप जो भी करें अच्छे से करें, एक अच्छी स्ट्रीम चुने और अपना अच्छा फ्यूचर बनाए, सबसे पहली चीज. चलिए, हम लोग तो यहीं रहेंगे. आप जब भी चाहे टाइप कीजिए यूट्यूब पे लिटिल स्कॉलर्स और आप लोगों को हम मिल जाएंगे, ठीक है ना. तो चलिए, 9 बज रहे हैं, राइट, ऑन टाइम है. आखिरी दिन है यार, मेरे को बहुत लंबा चौड़ा कमेंट मिला, सॉरी भाई उसके लिए कि मैं अपलोड नहीं कर पाया. माइट बी सम प्रॉब्लम्स आर देयर, बट स्टिल मैंने ट्राई किया और मैंने आज अपलोड करी, तो आज मैं पर्टिकुलरली टाइम पर हूं, 9 बजे आपसे मिल रहा हूं, ठीक है. तो पहले स्ट्रेटेजी डिसाइड कर लूं, क्या करोगे आप लोग कल पेपर में. 3.5 घंटे आपके, सबसे पहले अपनी मेंटल टेंशन आई थिंक रिड्यूस करके जाओ. कंसर्न मत करो डायग्राम्स के लिए क्या आएगा कैसे आएगा, क्योंकि आपने पूरे साल काम किया है, ठीक है ना. एंड के कुछ दिनों में हमने बहुत इफेक्टिवली काम किया है और जो पेपर्स हैं दे आर मोर देन सफिशिएंट. कल आपको बिल्कुल भी 10:15 से 10:30 के बीच ऐसा नहीं लगेगा कि आपको नहीं आता, बिल्कुल नहीं लगेगा, ठीक है. एक दो क्वेश्चन की बात मैं नहीं करूंगा, ठीक है. हो सकता है कुछ ट्विस्टेड चीजें आ जाएं एक दो क्वेश्चन के अंदर, बट 80% 90% ऑफ द पेपर यू फील लाइक यू हैव ऑलरेडी डन, यू हैव ऑलरेडी सीन दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एंड यू हैव ऑलरेडी अटेम्प्ट दीज क्वेश्चन इन लास्ट फ्यू डेज, ठीक है. तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ, ठीक है ना. साइंस इज क्वाइट वेरी सिंपल, राइट. स्ट्रेटेजी क्या रहेगी मैं बता देता हूं आपको. 3 घंटे करना है आपको पेपर, ठीक है. कोशिश करो कि 2 घंटे और 45 मिनट के सेक्शन पे आप उसको खत्म कर दो. 2 hours and 45 minutes का एक अचीव टारगेट लेके चलना, ठीक है. पर्टिकुलरली मैं यही बोलूंगा, राइट. अगर आप ए सेक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं, मैं साइंस के लिए नहीं बोल रहा हूं, आप पर्टिकुलरली डी से स्टार्ट करो, सी से स्टार्ट करो, बट आप ए सेक्शन से स्टार्ट कर रहे हो तो ए करते हो बी करते हो, ठीक है. तो यू शुड टेक मैक्सिमम ऑफ सेक्शन ए प्लस बी हार्डली 20 मिनट्स यू हैव टू टेक, हार्डली. मैं बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग दे रहा हूं आपको, ज्यादा से ज्यादा आपको 20 मिनट ही काम करना है सेक्शन ए और सेक्शन बी के ऊपर, बिल्कुल टाइम बाउंड मैनर में चलो, पेपर बहुत शानदार जाएगा मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना. बिल्कुल टेंशन मत लेना, सब किया हुआ है हम लोगों ने, सारी चीजें कर रखी है. नाउ वी मूव ऑन टू सेक्शन सी. आप इसको आराम से 1 घंटा दो, बिल्कुल बिल्कुल स्लाइटली 1 घंटा आपको सेक्शन सी को देना है, ठीक है. नाउ वी मूव ऑन टू सेक्शन डी. अगेन आप 1 घंटा या 1 घंटा 10 मिनट आप इस पर्टिकुलर सेक्शन को दे सकते हो, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर 1 घंटे में ये खत्म हो जाता है दैट इज वेल एंड गुड, कोशिश करना 1 घंटे में ही हो जाए, राइट. ऊपर नीचे करने की कोशिश मत करना. तो इट इज 1 hour plus 1 hour and 2 hours 20 minutes, 2 घंटे 20 मिनट सेक्शन ई बचा है आपके पास, ठीक है. मुझे बहुत अच्छे से पता है आपको यहां 20 मिनट नहीं लगने वाले, राइट. ओके, सेक्शन ई क्या करना है, यू शुड गिव दिस पर्टिकुलर सेक्शन 25 मिनट्स मैक्सिमम, ठीक है, राइट. तो 25 मिनट्स आप इसको दो, ये पूरा पेपर खत्म 2 घंटे 45 मिनट में, और बहुत इजीली पेपर खत्म, ठीक है, राइट. 15 मिनट आप ये डिसाइड कर लो कि आपको पेपर में किस सेक्शन को ऑप्ट करना है, कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनकी तरफ आपको नजर नहीं डालनी है, बिल्कुल नजर मत डालो, छोड़ दो उनको एज इट इज. अगर नहीं आता, डाउट में हो, जिसमें भी हो, बिल्कुल छोड़ दो, ठीक है, राइट. ओके, काम करो 15 मिनट आप एंड के बचाओ और री रिवाइज करो उस पूरे पेपर को जहां आप मिस्टेक्स करके आए. हर क्वेश्चन के बाद 2 लाइन जरूर छोड़ना अगर कंप्लीट कर चुके हो तो, नहीं किया है तो आप देख लो आपको कितना छोड़ना है, जितना हो सके आंसर्स प्रिसाइज, ठीक है. थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आंसर शुड बी इन पॉइंट्स, साफ स्वच्छता बनाए रखें, टीचर को भी अच्छा लगेगा, नंबर भी वो बहुत अच्छे देंगे, ठीक है. डायग्राम्स को पेंसिल से बनाने की कोशिश करें और लेबलिंग देख लें, ठीक है, जैसे भी आपको करनी है, दोनों साइड करनी है, दोनों साइड एक साइड करनी है, एक साइड, ठीक है. पेंसिल ब्लंट नहीं होनी चाहिए, शार्प होनी चाहिए, ठीक है.
अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें आपको आंसर्स नहीं आ रहे हैं बायोलॉजी के, ठीक है, या फिर फिजिक्स के, और वहां पर डायग्राम्स की पॉसिबिलिटी लग रही है, डू ड्रॉ द डायग्राम्स, ठीक है, मैं ये बोलूंगा ड्रॉ द डायग्राम्स और आराम से ड्रॉ करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बायोलॉजी के अंदर आपको कौन से डायग्राम से फोकस करना है वो मैं बता देता हूं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, आई थिंक रेस्पिरेटरी इज नॉट एज मच एज इंपॉर्टेंट, किडनी को देख लें एक बार, ह्यूमन ब्लड हार्ट इतना टफ नहीं आएगा, ठीक है। ब्रेन हो सकता है आपके पास कैसे आ जाए बना हुआ, नेमिंग करनी है, ठीक है, बट पर्टिकुलरली ब्रेन नहीं पूछा जाता है ना। और क्या है, आई थिंक न्यूरॉन का डायग्राम प्लीज ध्यान रखें आप, और रिप्रोडक्शन के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और प्लांट, ठीक है, इनके ऊपर पर्टिकुलरली आप प्लीज फोकस करें, ठीक है, राइट, दैट इज इंपॉर्टेंट। और लाइट के अंदर आप डायग्राम्स पे ध्यान रखें प्लीज थोड़ा सा, राइट, है ना, डायग्राम जरूर बनाए, नहीं भी पूछा तो भी बना दे, दैट एड समथिंग गुड टू योर कॉपीज, है ना। और दैट इज पर्टिकुलरली ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, तो राइट लास्ट के जो हम लोगों को डिस्क्रिप्शन देने होते हैं, रीजन देने होते हैं, अगर हम डायग्राम के लिए जा रहे हैं तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप डायग्राम के लिए ही जाओ, ठीक है, पर्टिकुलरली फिनोमेना लिखो भाई, ये प्रोसेस है, इसीलिए हो रहा है, स्कैटरिंग है, एटमोस्फेरिक रिफ्रेक्शन है, व्हाट सो एवर इट इज, एंड गो फॉर द डायग्राम, मैं प्रेफर करूंगा आपको ये, ठीक है, तो दैट विल एड समथिंग गुड टू योर कॉपीज, बैड कुछ नहीं इंपैक्ट है बट गुड है, आपका राइटिंग टाइम बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैनेजिंग करके चले, गंदी राइटिंग ना होने दें, जगह छोड़े, ठीक है, वर्ड्स के बीच में स्पेसिंग रखें, प्लस अगर कोई डिफरेंसेस आते हैं तो गाइस प्लीज मेक कॉलम, ठीक है, डोंट डू दीज रफ एक्टिविटीज, ठीक है। 10th क्लास स्टूडेंट है, कॉपीज लगनी चाहिए, और कहीं पे भी पॉइंट नंबर मत डालो, मैं यही बोलूंगा, पॉइंट नंबर मत डालो, पॉइंट नंबर से टीचर को पता चल जाएगा 5 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा आपको 3 पॉइंट आते हैं, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 पॉइंट कंपेरेटिवली आधा पेज कवर कर रहा है, ठीक है, सपोज करो 3 पॉइंट आते हैं, आपने कहा पॉइंट नंबर 1, 2, 3, टीचर क्या माइंड सेट बना, कॉपी देखते 3 पॉइंट, ओके 3.5 नंबर 4 नंबर, दैट्स इट, और कहीं मिस्टेक निकल गई तो नंबर डिडा, बट अगर आपने पॉइंट पुट नहीं किया तो टीचर को हाफ पेज आंसर रीड करना, इंपैक्ट है डिफरेंट, है ना, डिफरेंट इंपैक्ट दे रहा है वो, ठीक है। तो प्लीज इन चीजों पे थोड़ा सा प्रिसाइज हो, है ना। और आई थिंक जो केमिस्ट्री पोर्शन है, आप रिएक्शंस में अगर आपको नहीं पता कि क्या है, एक्वस है या लिक्विड है, सॉलिड है, तो नो नीड टू राइट, अवॉइड दीज थिंग्स, ठीक है, कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं करने वाला, फॉर्मूला अच्छे से लिखे, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर, यू शुड राइट कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, ठीक है, तो इस तरीके से। और वो जो हमारा लास्ट चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, बिल्कुल प्रिसाइज आंसर पे जाना, टेंशन मत लेना उन चीजों के लिए, ठीक है। रीजंस में स्पेसिफिक रहें, ठीक है, कि भाई एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स ही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि कवरिंग चढ़ जाती है उनके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, सो यू हैव टू बी प्रिसाइज, ठीक है ना। तो इन चीजों को थोड़ा सा अपना प्रिस्क्रिप्शन बनाए, स्पेसिफिक लिखे, टाइम बाउंड मैनर के अंदर पेपर करें, ठीक है। जो नहीं आ रहा, लीव इट, आप समय बर्बाद मत करो उन क्वेश्चंस के ऊपर जिनमें आपको डाउट जा रहा है, लीव बाद में करने के लिए, ठीक है, राइट। तो यू शुड डू लाइक दिस ओनली, 2 hours 45 minutes, ठीक है, कोई आजू बाजू नहीं देखना, कुछ नहीं करना, फर्स्ट आप अपने को प्रेफरेंस दें, बाकी बाद में सोचें, ठीक है, राइट। एंड में अगर आंसर्स नहीं आ रहा, देखो क्वेश्चंस नहीं छोड़ने हैं, मैं अभी भी आपको यही सलाह दूंगा कि क्वेश्चंस किसी भी तरीके से ना छोड़े, ठीक है, कुछ भी एक्स वाई जेड अगर आपको आता है ना, यू शुड राइट इट, डायग्राम आता है डू ड्रॉ इट, नो प्रॉब्लम, गलत ही तो होगा यार, गलत करने के माइनस मार्किंग नहीं है, एंड बाय डिफॉल्ट अगर वो सही हो गया आपके लिए बोनस है ना, ठीक है। कैंसिल जब ही करें जब आपको श्योरिटी हो दैट इट इज रॉन्ग, अदरवाइज नो नीड टू कैंसिल एनी आंसर, ठीक है। अगर आपको लगता है कि भाई मैं इसको एक दूसरे तरीके से ऑप्ट कर सकता हूं, तो आई हैव वन थिंग फॉर यू गाइस, कि आप उस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट कर लो, कर लिया, सपोज करो सेक्शन डी से आपने स्टार्ट किया और सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर दूसरा ही था ऐसा जो आपको लगा कि भाई हाँ मेरे को आता है, बट और ऑप्शन ज्यादा बेटर होगा, तो आपने यहां आगे कर लिया, पूरा पेपर खत्म कर लो, यू हैव 10 मिनट्स लेफ्ट, ठीक है, दिस क्वेश्चन और का ऑप्शन है आपके पास अवेलेबल, सारों में ना करें प्लीज, डोंट अप्लाई दिस ट्रिक, ओके, किसी किसी के लिए बोल रहा हूं मैं, है ना।
तो पीछे जाओ एंड में कर लो, ठीक है। अगर आगे वाला बिल्कुल गलत है टीचर काट देगा, मार्क्स अवॉर्ड करेगा। आगे वाला सही है तो ऑटोमेटिकली पीछे वाला रिपीट लग के कट जाएगा, ठीक है, राइट। तो यू शुड डू लाइक दिस, ठीक है। थोड़ा सा ब्रेन को यूज करो, ठीक है, राइट। हम कहते हैं ना ब्यूटी विद ब्रेन, तो सिर्फ हार्ड वर्किंग ये नहीं कहती कि आपके अच्छे नंबर आएंगे। हार्ड के साथ साथ ट्रिक वर्किंग, ठीक है, वो आपको लीड करेगी टू गेट द गुड मार्क्स। सो गाइस, आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें आपकी प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल बेस्ड एस्पेक्ट्स, क्वेश्चंस जो मैंने दे रखे हैं, वो इन पेपर्स में जो क्वेश्चंस मिले उन सबसे कॉन्फिडेंस लेवल इतना बूस्टअप होगा कि आप लोग कल के पेपर के अंदर डेफिनेटली रॉक करने वाले हैं। डोंट गेट वरीड अबाउट इट, बुक्स क्लोज कीजिए और सो जाइए, मैं यही बोलूंगा, आराम से सोए, ठीक है। कल सुबह उठे फ्रेश मॉर्निंग में, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स को एक बार देख लें, हो सकता है वहां से कुछ बनेगा आपके लिए, ठीक है, राइट, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स को एक बार प्लीज न्यूमेरिकल्स को वॉच आउट करके ही जाए, ठीक है, बिल्कुल कोशिश करें उनके ऊपर। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, अच्छे से अटेम्प्ट करें, कॉन्फिडेंस लूज ना करें, क्योंकि कॉन्फिडेंस रहेगा तो 2 घंटे 45 मिनट नहीं 2.5 घंटे में पेपर खत्म करके बहुत खुश होके आओगे। सो गाइज, ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट, ठीक है। कल हम फिर मिलेंगे सॉल्यूशंस के साथ, राइट। चलिए, अभी मैं आपके साथ कुछ डिस्कशन कर रहा हूं जो 2 पेपर अपलोड हुए थे, ठीक है। आज वाले क्वेश्चन, आज वाले पेपर का डिस्कशन कर लेता हूं थोड़ा सा फास्ट रिव्यू करके। फर्स्ट का आंसर क्या होगा, नेचुरल गैस और अदर देन एलपीजी बायोगैस। प्लांट्स के पास 10,000 जूल, डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन अपोजिट है, बिकॉज डिकम्पोजिशन इज समथिंग लाइक ए विल ब्रेक डाउन टू बी प्लस सी and here A plus B gives C in combination reactions, ठीक है, okay। Why oil and fat containing food items are found flushed in nitrogen? Just because nitrogen is very unreactive। Star twinkle क्यों करते हैं, ये सबको पता है। Astronauts को sky dark appear इसलिए होता है क्योंकि वहां पर vacuum है, scattering करने के लिए कोई भी particles available नहीं है, ठीक है। Answer number जो 5 है, that is what, homologous organs, ठीक है, राइट। सेम स्ट्रक्चरल होता है बट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, थोड़ा सा फोकस रखो इन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्लोरीन स्मेल आ रही है, ठीक है, प्रिपरेशन लिख दें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गिव्स कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, राइट। 2 अदर यूजेस, वाटर के प्यूरिफिकेशन में, ब्लीचिंग एक्शन के काम में आता है। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट मार्क करके रखे, ठीक है, ध्यान रखें क्या हो रहा है, क्यों इसका आंसर है। मायोपिया का डायग्राम पूछा गया है, ओके, कैसे डिटेक्ट करेंगे, तो ऑफ कोर्स मायोपिया कॉनकेव लेंस, गर्ल यूजेस स्पेकल्स ऑफ फोकल लेंथ 80। अब देखो इसमें पता कैसे करोगे कौन सा डिफेक्ट है, फोकल फोकल लेंथ है 80 और फोकल लेंथ किसकी पॉजिटिव होती है, कॉन्वेक्स की, तो कॉन्वेक्स लेंस किसके करेक्शन में है, हाइपरमेट्रोपिया के करेक्शन में है, ठीक है। पावर क्या निकलेगी, पी इज इक्वल टू 100/80, तो इसको आप डी के फॉर्म में लिख लें, जो भी आएगा आंसर, ठीक है। सोलेनोइड बता सकते हैं, स्टेट 1 यूज ऑफ सोलेनोइड, तो सोलेनोइड के अंदर पैरेलल लाइंस चलती हैं, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के काम में आता है, तो कोई भी सब्सटेंस अगर उसके अंदर रखोगे तो इक्वल पैरेलल लाइंस है, इक्वल मैग्नेटिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट ही बनेगा, ठीक है। असेक्सुअल और सेक्सुअल के अंदर डिफरेंसेस हम कर सकते हैं, सेक्सुअल के अंदर वेरिएशन आते हैं बिकॉज सर्वाइवल के चांसेस भी ज्यादा है, बिकॉज 2 तरीके के अलग अलग गैमीट्स का फ्यूजन है और एनवायरमेंट से अडॉप्टेबिलिटी ली है, इसीलिए सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा अच्छे हैं। वाटर के ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम, आपको जाइलम और ट्रांसपीरेशन सिस्टम को क्या करना है, कंप्लीटली डिफाइन करने का है, ठीक है। बायोमास के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आप अच्छे से लिख देंगे। नेम द हार्मोन सीक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड, थायरोक्सिन, लिस्ट इट्स फंक्शन, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। आयोडाइज सॉल्ट क्यों प्रेफर किया जाता है, बिकॉज डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द डाइट और इन द बॉडी, ठीक है, उसकी वजह से हमारी बॉडी थायराइड ग्लैंड में से थायरोक्सिन सीक्रेट नहीं होगा, एंड इट रिजल्ट्स इन द स्वेलिंग ऑफ द नेक व्हिच इज पर्टिकुलरली नोन एज गोइटर, ठीक है, तो ध्यान रखें। एन एलिमेंट एक्स 15 ग्रुप है और अमोनिया बना रहा है, गाइस देखो सीधा सा ट्रिक है ये, अमोनिया NH3 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो नाइट्रोजन होगा, तो एक्स एलिमेंट इज नाइट्रोजन। वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, डॉट स्ट्रक्चर बना दे बाय शेयरिंग और अमोनिया का स्ट्रक्चर बना दे,
ठीक है राइट। टोटल कॉस्ट आई थिंक आप बहुत आराम से निकाल लोगे। इलेक्ट्रिक हीटर है तो एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम। पावर इज व्हाट 1000 इंटू 5 दैट इज 5000 वॉट, ठीक है। और किलो वॉट में कन्वर्ट करोगे तो 5 आ गया। एंड दिस इज व्हाट 400 इंटू 10 तो इट इज इक्वल्स टू 4000 एंड इट रिजल्ट्स इन 4 यूनिट। तो टोटल एक दिन में 9 यूनिट्स, तो 30 दिन में यूनिट कितनी हो गई, आई थिंक 270 यूनिट्स आ गए। और उसको 60 से मल्टीप्लाई कर ले। इलेक्ट्रिक पावर को ध्यान रखें किसी भी अप्लायंसेस की वर्क करने की एबिलिटी, ठीक है। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर, एसआई यूनिट वाट, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन आई थिंक आप लोग कर लेंगे। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 17 इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट। एक कॉइल है, गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन दिखा रही है। तो जब आप कॉइल को अंदर लेके गए तो गैल्वेनोमीटर ने पॉजिटिव डिफ्लेक्शन दिखाया बिकॉज फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है। तो चेंजिंग फ्लक्स विल लीड टू द जनरेशन ऑफ करंट और गैल्वेनोमीटर पॉजिटिव डिफ्लेक्शन दिखाएगा। बट जब आप उसको वापस अंदर रखने के बाद बाहर लेके आए तो जो गैल्वेनोमीटर है फ्लक्स अब चेंज का अपोज करेगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में गैल्वेनोमीटर मूव करना स्टार्ट कर देगा। अगर आप ले जाके स्टिल रख देंगे तो गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। फिनोमेना कौन सा है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आइगर फेराडे, ठीक है। स्टेट द रूल, इट इज राइट हैंड रूल, ठीक है। करंट इंड्यूस हो रहा है तो करंट इज राइट हैंड रूल, ठीक है राइट। आई थिंक डिटर्जेंट्स, प्लीज गाइज डिटर्जेंट्स को स्टिक करके रखिए, पूछा नहीं गया तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक स्कम की डेफिनेशन है, प्लीज उसको ध्यान रखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ क्रोमोसोम नंबर बिटवीन एग एंड जायगोट, एग में 1 जायगोट में 2, 1:2। हाउ इज द स्पर्म जेनेटिकली डिफरेंट एग का और स्पर्म, तो एग में होता है क्या पर्टिकुलरली XX क्योंकि फीमेल का है और स्पर्म इज XY, दिस इज जेनेटिक डिफरेंसेस, ठीक है। आई थिंक बाकी पार्ट आप कर लोगे। शेप रीजन फॉर द फॉलोइंग, नाइट्रिक एसिड बिकॉज इट इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये फटाफट से ऑक्सीडाइज करता है और इटसेल्फ रिड्यूस हो जाता है या तो NO2 में, N2O में या NO के अंदर, और उधर वो ऑक्सीजन दे देता है तो इट विल फॉर्म वाटर, ठीक है राइट। ध्यान रखें इसका। जिंक ऑक्साइड एसिडिक और बेसिक दोनों करेक्टर दिखाती है इसलिए एम्फोटेरिक। कार्बन इज नॉट यूज टू रिड्यूस एल्यूमिनियम ऑक्साइड बिकॉज एल्यूमिनियम हैज अ ग्रेटर एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ कार्बन। वो ऑक्सीजन का बहुत अच्छा दोस्त है कार्बन के कंपैरिजन में। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बिकॉज इन रिएक्टिविटी टेबल कॉपर इज लाइज बिलो हाइड्रोजन, दैट इज वाई डज नॉट डिस्प्लेस, ठीक है। ब्रास कॉपर प्लस जिंक, ठीक है राइट। और ब्रॉन्ज उसको आप बहुत सारे अलॉयज मेटल से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है राइट। आई थिंक सेक्शन ई आप लोगों के लिए कंपैरेटिवली इजी है तो आप आराम से कर सकते हो उस चीज को, ठीक है राइट। नाउ गैस पेपर नंबर 1 में अगर मैं डिस्कशन करना चाहूं तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 के साथ चले तो 40 डिग्री है क्योंकि वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन आर, तो यू शुड रिमेंबर दिस थिंग। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है तो जिसका रिफ्रैक्शन एंगल ज्यादा साइन आर राइट। ओके सलाइवा रोल बता सकते हैं, स्टोमेटा, ये सारी चीजें अप्लाइड ऑन। ओके क्वेश्चन नंबर 6, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, लिस्ट एनी टू ऑब्जर्वेशन। कलर उड़ जाएगा और एक अजीब सी स्मेल आएगी सल्फर की, ठीक है। नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, डिकम्पोजिशन। राइट द केमिकल इक्वेशन, तो Fe2SO4 वाली रिएक्शन लिख दे, ठीक है राइट। ओके 7 क्वेश्चन, आई थिंक CH3COH इज अ वीक एसिड, व्हाई, बिकॉज इट पार्शियली आयोनाइजर्स, और पार्शियली आयोनाइज होने पर इतने ज्यादा H+ आयंस नहीं देगा तो कंपैरेटिवली हमें वीक मिलेगा, विच शोज ऑरेंज कलर राइट। प्रोपीन अंडरगोज एडिशन रिएक्शन बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ अ निकल, ठीक है। प्रोपीन अंडरगोज एडिशन रिएक्शन एंड कन्वर्टेड टू प्रोपेन, डबल बॉन्ड विल कन्वर्ट इट टू सिंगल बॉन्ड, ठीक है। गैस स्टोव्स इनलेट्स होते हैं एयर के बिकॉज फॉर द डिकम्पोज फॉर द कंबस्टन रिएक्शन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन को कंबस्टन करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में मैंने एक डिफरेंस बताया था आपको, है ना, उस चीज के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। देखिए ये आपको 8 आ जाएगा, मैं 8 में आपसे बात करना चाहूंगा डी पार्ट के ऊपर। विच एलिमेंट हैज अ बिगर साइज, एफ और जी। जी इज अ नोबल गैस और नोबल गैस का हैलोजन से साइज बड़ा होता है, सो दिस इज अ डिफरेंट वन, ठीक है। तो ध्यान रखें इस चीज के बारे में राइट। ओके 1 एम्पियर डिफाइन कर देंगे। 9th का सी पार्ट पे आ जाए बेटा,
थ्री रेजिस्टर्स हैं 3 ओम के, तो एक बार तो दो को पैरेलल एक सीरीज और एक बार दो को सीरीज एक पैरेलल, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम मैंने बोला था और ये आया था, ठीक है, राइट। आई थिंक कंपैरेटिवली बाकी सारे क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट कर लेंगे। वन क्वेश्चन इज दैट 15th वन, अ पर्सन इज एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स बिटवीन 55 सेंटीमीटर के बाद देख सकता है और 250 से पहले देख सकता है, मतलब फार्देस्ट पॉइंट भी इन्फिनिटी नहीं है और मिनिमम विजन भी 25 नहीं है, तो इसको दोनों है, तो वी कैन गो विथ प्रेसबायोपिया करेक्शन मेजर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स बोथ, क्यों वो एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ठीक है, राइट, ओके। नाउ 16, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, एंड इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डबल बॉन्ड टू सिंगल बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, ठीक है, प्रोसेस दिखाएं और रिएक्शन लिखें। ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, तो इस तरीके से आप उनके रिएक्शंस को दिखाएं। मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज मेटल्स रेडिली लूज एच प्लस आयंस, दैट इज व्हाई दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, राइट। नॉन मेटल्स डू नॉट डिस्प्लेस, अभी मैंने इसके बारे में बात कर ली। एल्यूमिनियम इजिली कंबाइंस विद ऑक्सीजन बट स्टिल इट कैन बी यूज फॉर मेकिंग किचन यूटेंसिल्स, ठीक है, बिकॉज इट फॉर्म्स अ लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ओवर द सर्फेस ऑफ द मेटल एंड विच इज अनरिएक्टिव, राइट। राइट द केमिकल इक्वेशन, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, ठीक है, ध्यान रखें प्लीज, इंपॉर्टेंट है। हाउ डू कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड फैट गेट डाइजेस्टेड इन ह्यूमन बीइंग, दिस इज सिंपल, आपको कार्बोहाइड्रेट्स का पूरा ब्रेकडाउन का प्रोसेस आपको क्या करना है, डालना है, क्या करना है, सलाइवा माउथ के अंदर, सलाइवा का फंक्शन, स्टमक के अंदर एचसीएल म्यूकस का फंक्शन, ठीक है, और इंटेस्टाइन के अंदर भी फंक्शन डालते हैं पर्टिकुलर एंजाइम्स के, ठीक है, राइट। आई थिंक बाकी पार्ट ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आए। एक सेक्शन ही में वेसिटिकल ऑर्गन्स बता देता हूं मैं आपको गाइस, जैसे अपेंडिक्स है, इट इज अ वेसिटिकल ऑर्गन, एवोल्यूशन होने के कारण वो खत्म हो चुके हैं, ठीक है, राइट, तो वो एक वेसिटिकल ऑर्गन है, प्लीज उसको थोड़ा सा ध्यान रखें। सो गाइस, दिस इज पर्टिकुलरली द डिस्कशंस ऑफ क्वेश्चन जो मुझे लगा के थोड़े से हार्ड है, आपको कहीं प्रॉब्लम आएगी, एल्स आप सब लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं कल पेपर देने के लिए। सो गाइस, ऑल द बेस्ट, डू योर वेल, डरना मना है क्योंकि हम लोग सब कुछ कर चुके हैं, ठीक है। कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे हम लोग शाम के समय, जहां पर हम लोग पेपर का डिस्कशन करेंगे एंड लेट्स सी कि कितने लिटिल स्कॉलर्स ने 90+, 95+ स्कोर किया है। मेरे वेल विशेस सबके साथ है। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड विद अस, कीप ऑन वॉचिंग लिटिल स्कॉलर्स, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं।